ये कॉपर की बॉटल है, जब इसके अंदर मैं पानी भर के रखूंगा 10 घंटे के अंदर ये जो आयंस हैं कॉपर के वो पानी के अंदर आ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओलिगोडाइनेमिक इफेक्ट। ठीक है, ये पानी को बना देता है अल्कलाइन। इस पानी का जो सेवन है हमें सुबह सुबह इसीलिए करना चाहिए क्योंकि जो आपकी स्टमक होती है सुबह एसिडिक होती है। आप 6 से 8 घंटे की फास्टिंग स्टेज के बाद उठते हो, कोई अमीनो एसिड की सप्लाई नहीं, कोई कार्ब्स, कोई फैट, कुछ भी नहीं गया होता उस टाइम पर। इफ़ यू फीड योर बॉडी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कॉपर वाटर, ये आपका पीएच बैलेंस करता है। उसके अलावा कॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है आपके जॉइंट्स के लिए, आपके हार्ट के लिए। जैसा मैंने हमेशा बताया, देखो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको मॉर्निंग में बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज रहते थे, मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ रिकमेंड की, कॉपर वाटर पियो। सो आपको ये समझने की ज़रूरत है, तांबे का बर्तन और तांबे का पानी बहुत अलग चीज़ें हैं गाइस। तांबे का पानी कब बनता है? जब आपने इसको रखा हुआ है, और इस वेसल का सिलिंड्रिकल होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है कि जो कॉपर है वो 99% 97% भी होगा तो वो भी चलेगा, उसके अंदर वो ओलिगोडाइनेमिक इफेक्ट होता रहेगा। अभी सतीश जी के क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जो ये ओलिगोडाइनेमिक इफेक्ट है ना, जब आपका बर्तन काला होगा इसलिए ओलिगोडाइनेमिक इफेक्ट थोड़ा थोड़ा धीरे होने लगेगा। अब अगर सपोज ये जो पटीना है वो ग्रीन होने लगेगा, विच मीन सल्फेट का प्रेजेंस है, वो थोड़ा सा पॉइजनस होता है, आप उसको भैया क्लीन रखें। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अपने तांबे की बोतल को मेंटेन करने के लिए। अब अगर सपोज जैसे मैं इस टाइप का कोई डिज़ाइन चूज़ कर रहा हूँ मेरी बॉटल के लिए, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, इसको बोलते हैं मीनाकारी। ये होती है हाथ से, ये ग्लासेस पे भी हो सकती है, ये बॉटल्स पे भी हो सकती है, और ये डिस्पेंसर्स पे भी हो सकती है, जैसी मैंने आपको अभी दिखाई। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको बॉटल आप बाहर कैरी कर रहे हो, ये पटीना आएगा, ये थोड़ा सा गंदा लगता है, इसीलिए आप इस टाइप की बॉटल चूज कर सकते हो जिसकी आउटर क्लीनिंग रिक्वायर्ड नहीं है। और ये पेंट फेड नहीं होगा, ये एक टाइप का इनेमल कोट है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, अनलेस ये गिर जाती है और ये डेंट हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया, अगर आप फैमिली पर्पज के लिए देख रहे हो तो इस टाइप के बढ़िया बढ़िया डिस्पेंसर्स देख सकते हो, ये डिस्पेंसर्स बहुत बढ़िया है, आप फैमिली पर्पज के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक स्टैंड के साथ आता है, एक आपको ग्लास मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है अगर आपको पता करना है, आप व्हाट्सएप पे 8851336672 पर व्हाट्सएप कर सकते हो, या कॉमेंट करो, या हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हो। यू कैन बुक दिस डिस्पेंसर, 99% प्योर कॉपर है।